डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपए बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और वो किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहाँ 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो पिज्जा क्यों खा लिया, क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पेंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए, यह जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं, वो सब के सब कहना पड़ेगा। देश जो बना है वो यहां पे रहने वाले लोगों से सभापति महोदय देश बना है। अगर वहां के लोग खुश नहीं है, अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं है, तो वो देश पर कैसे खुशहाल हो सकता है? सिर्फ झूठे नारे लगाने से, झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो जाता। सभापति महोदय किसान पढ़े, अलग अलग बॉर्डर पे पड़े, 2 मिनट में कर रहा हूं, सभापति महोदय अलग अलग बॉर्डर पे पड़े, बच्चे उनके बैठे हैं, महिलाएं वहां पे बैठी हैं, विनती कर रहे हैं बेचारे कि साहब ये 3 जो बिल लाई है केंद्र सरकार, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी इन 3 बिल को वापस ले लो। और प्रधानमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैंने जो बिल लिया है, भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया? उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां पे ऐसे ऐसे बैरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां पे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पे सुरक्षा के इंतजाम करे जा रहे हैं। सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए, ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लूट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं, वो सब के सब कहना पड़ेगा। सभापति महोदय भाड़े के टक्कू रख रखे हैं, सोशल मीडिया पर रख रखे हैं, वो मोदी मोदी करते हैं, वो उसकी बड़ाई करते हैं, वो भड़ाई करते हैं, और मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार, और कुछ चाटुकार होते हैं, वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। और यही हश्र आप देखना सभापति महोदय, ये केंद्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं यहां से कि नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ करके और सर झुका करके और माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं अहंकार में आ गया था, और मैं माफी मांगता हूं, मैं इन बिलों को वापस लेता हूं, और MSP पे पूरी फसलों को खरीदे, और जो डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है दुनिया भर का, सभापति महोदय जो डीजल मिलता है पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपए बेच रहे हो, आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है, आप घूम रहे हो वहां 36 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है, और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो पिज्जा क्यों खा लिया, क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पेंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो किसान है, वो कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? आपने मूर्ख बनाया, भावनाओं को भड़काया जनता की को, और आप जनता को भड़का के वहां बैठ गए, और इस बात का पाप लगेगा। और आपको मैं तो कहता हूं कि देखना इसी जिंदगी में रहते रहते आपको सजा भुगत के जानी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति मोदी।